बंटी क्या बात है, पीले झंडे। हेलो झंडे में तू लगा रहा है जल्दी आओ ना यार। जिंदाबाद सुस्वागत है हमारे सभी अतिथि आ गए हैं, हमारे माननीय अध्यक्ष लोग यहाँ पेंशन अपडेशन नहीं हो रहा है। आप लोगों को जान के बहुत आश्चर्य लगेगा कि रिटायर्ड जो जनरल मेजर है उसको अगर 2002 से पहले का जनरल मेजर रिटायर किया है तो उसको 14,000 रुपया भी नहीं मिलता है। ये हालत है पेंशनर्स की। और उसके बाद जो स्थिति है और दूसरे लोगों का समझ सकते हैं आप, हमारा जो प्रीमियम है हेल्थ सर्विसेज का इतना रोज़ बढ़ते जा रहा है, हमारा साथी जितना महीना में नहीं पाता है उससे ज़्यादा 3 महीना का जोड़ के तो उसका प्रीमियम इकट्ठा होगा तब जाके वो प्रीमियम दे पाएगा। ये हालत है। तो हम लोगों का मेडिकल इंश्योरेंस स्कीम जो वेलफेयर फंड हमारे पास था जो गवर्नमेंट के द्वारा एलोकेटेड है उसमें दोनों का हिस्सा था, वर्किंग का भी और रिटायर्ड का भी। लेकिन वर्किंग के लिए तो सब कुछ हो रहा है, रिटायर्ड का कुछ नहीं हो रहा है। रिटायर्ड लोग इसी स्थिति में भी नहीं है कि उतना खर्च कर सके, इसलिए समस्याएं बढ़ रही है। और हम लोग सारे इसके निदान के लिए सिर्फ इकट्ठा ही नहीं है, बैंक के लोग PNB में तो हम हैं मेजोरिटी में, लेकिन हम दूसरे लोगों को भी इकट्ठा कर रहे हैं ताकि सरकार के ताबूत में कील ठोका जा सके और हम इस बात को दूसरे माध्यम से भी सरकार तक उसका बहरा जो कान हो गया वहाँ तक पहुँचा सकें। जो राजस्थान में जिस तरह से पेंशन फिर से बहाल कर